रुबीना से पूछती हूँ। हाँ, रुबीना से गुप्ता, रुबीना अजरा, बिल्कुल सही लगा। रेडी? सही है, ओके, बिल्कुल सही। मैं रुबीना जी से पूछती हूँ कि भाई आपकी वाह वाह क्यों होती है खानदान में, क्या ऐसी बात है? वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी कोई वाह वाह होती है, मुझे तो पता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रही हूँ। या बट या आई हैव अ कजन नाजिया, वो कहती है कि दे कॉल मी दीदी, क्योंकि मेरे जो दो छोटे भाई हैं वो मुझे दीदी कहते हैं, सो द होल यंगर जनरेशन ऑफ कजन दे कॉल मी दीदी। सो वो कहती, दीदी जब आपने आना होता है ना, फिर मेरे ना उस दिन मेरे पूरे घर के जाले, सफाइयाँ, और मैं सिर्फ अपनी मेड को एक बात कहती हूँ, दीदी ने आना है, तुम्हें पता नहीं है वो ये भी। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं देखती, किसी के घर जाके तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, एंड आई डोंट केयर कि वो खुद का घर चमकता है ना। हाँ, मुझे अपने घर का पैनिक होता है, बट देन एवरीबडी हैज दिस थिंग कि मेरे जाने से पहले उनके घर जो है ना उसमें वो स्प्रिंग क्लीनिंग होती है, और सेट द बार टू हाई, कांटे, चमचे, हर चीज, टेबल की चीजें, ग्लास। अच्छा, जैसे आपका घर नया नया बना था ना, मैंने तब भी आपका घर देखा। बिल्कुल। तो जब नया नया घर बनता है तब तो चमक रहा होता है। अभी मैं कुछ अरसे पहले इनके घर फिर से गई, तो मैंने कहा ये तो फर्क ही नहीं आया इतने सालों बाद भी, वैसे ही चमक रहा है। मैंने कोई शो किया था किचन का, इतने सिस्टमैटिक दराज में ये चीजें, ये यहाँ रखी है, वो वहां रखी है। सो मैं कॉम्प्लेक्स में चली गई देखते कि भाई हम भी कुछ सीखे। सो वो वाली तो ये चश्मदी गवाह यहाँ बैठी हुई है, हमने भी उसी की आपको या नहीं? आई थिंक इसको कह सकते हैं ओसीडी मुझे है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली जो चीज जहाँ चाहिए होती है वहीं चाहिए। अच्छा, इस ओसीडी की वजह से आपके हस्बैंड को और बच्चों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा ये भी बताइए। तारिक इज इक्वली ओसीडी। ओ, हाँ, तो सही। सो वी वर्क वेल टुगेदर, बल्कि वो जरा कभी ओवर हो जाते हैं। अच्छा, आज डस्टिंग, आई सेड नो 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 नो, आप ये नहीं, मेरे होते हुए कैसे हो सकता है कि डस्टिंग ना हुई हो, तो आप ध्यान हटा लें चीजों से। और बच्चे? मीना इज डबल द ओसीडी, वो उसको मुझे रोकना पड़ता है। आई कीप टेलिंग है बच्चे सबर, हौसला, इतना ना जाओ आगे कि फिर तुम हर वक्त हाथ धो रहे हो, कौन सा ड्रामा था शहजाद भाई का। सो आई हैव टू चेक हर। नवल इज द टोटल ऑपोजिट, सो वो एक नॉर्मल इंसान है। खानदान में जो मिसालें देती दी जाती होंगी आपके लिए, वाह-वाह की जाती होगी, वो यही कि सिस्टमैटिक हर चीज, सफाई इस पे बहुत फोकस है, और वो फिर डर भी जाते हैं ना जब यहाँ आ रही होती सफाई हो रही है, वो सब पैनिक में। आपकी वाह-वाह इस चीज पर होती है? आई डोंट नो वाह-वाह होती है कि नहीं, बट आई गिव देम अ टफ टाइम ऑन दिस। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।